बच्चों ने संतरा खा लिया और इन्हें तंगड़ी वाली सर्दी हो गई, नाक निकल रही है बहुत ज़्यादा, है ना सर? देख लो, लेकिन फोन देखना नहीं, बंद कर दीजिए, क्या कुछ हो रहा है ये। हेलो दोस्तों, मैं किस रास्ता आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे नए और फ्रेश ब्लॉग में। तो आई होप आज आप लोग अच्छे होंगे, मतलब हमेशा ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग 2 बजे से, बहुत लेट, क्योंकि आज ब्लॉग शूट करने का दिल नहीं कर रहा था। दिल तो बच्चा है जी, वो तो कुछ भी करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम अपना काम छोड़ दें, है ना? तो काम तो करना ही है। अभी चलेंगे छत पे, ऐसी चीज़ आपको दिखाएंगे कि दिल्ली NCR में अभी चल क्या रहा है, ठीक है? अभी चल रहे हैं थोड़ी देर। बिट्टों ने संतरा खा लिया और इन्हें तंगड़ी वाली सर्दी हो गई, नाक निकल रही है बहुत ज़्यादा, है बिट्टो? देखना, लेकिन फोन देखना नहीं, बंद करेंगे, क्या कभी हो जाए। ये आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरे दिन बस फोन देखना और कुछ नहीं करना है। फोन बंद कर, फोन बंद कर, ये कहने की ये तो पागल है, गंदी लड़की फोन देखती रहती है। बिट्टो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, बताओ? ये तुम्हें जो जुकाम हो गया, जुकाम आज उसका इलाज करेंगे, ठीक है? हॉस्पिटल का आज तुम्हें 4 घंटे धूप में रखूंगा, सुखा दूंगा, सुखा। हैं? ले बाबा, अच्छा सुखा दी। तो आ गया हूँ मैं 200 छत पे, और ये जो चारों तरफ धुआं धुआं सा दिख रहा है ना, ये सब पोल्यूशन है, और वो भी इसलिए है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो पराली होती है उसको जला देते हैं ये लोग खेतों में ही। इसी वजह से हर दीपावली के स्टार्ट होते पे ये सब होता है हर साल। लेकिन अभी क्या सीन चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा है कि ऊपर वाला KBC खेल रहा है दिल्ली NCR में रहने वालों के साथ और दिल्ली वालों के साथ, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलो तो पॉल्यूशन से मरो, और अगर घर के अंदर रहो तो फिर भूकंप से मरो। मतलब घर के बाहर पॉल्यूशन है और घर के अंदर भूकंप। कल रात में जब मैं बैठा था तो भूकंप आ रहा भाई, सुबह हिल रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। जो भी है देखते हैं, ज़िंदगी जब तक है जान, है बेटो? तो अभी हम लोग आए छत पे धूप लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ अपने गांव बहुत बढ़िया है यार, हम कहीं भी निकल जाओ चारों तरफ धूप। इधर आइए, राइस में आपको तो दिखाती हूँ, दिखाइए दिखाइए। देख तो दिखा रही हूँ, ये है खीर, मैं इसे कोल देती हूँ, पता है मैं इतनी बार मैं तोड़ दूँ दी, ये देख। अरे वाह, देख रहे हो बेटो, तुम ताकत देखो, और वाह। और ये देख के टेडी बियर, ओ और ये भी है, ओ टेडी बियर, हाँ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उनको। अरे देखिए ये है सीढ़ी, और हम लोग ना ऐसे ना बैठ भी सकते हैं। ये छत का टूर करा रही है बिट्टू, ये है सीढ़ी, और धीरे धीरे बैठेंगे, गिरेंगे नहीं, नहीं ऐसे ही बैठेंगे। अच्छा हाँ, और अच्छे खड़े हो जाते हैं भाई। मामा पता है मैंने साइकिल चला दी थी उस दिन, चलाते दिखाओ दाई, दिखाओ चला के दिखाओ, साइकिल चलाएंगे बिट्टो, दिखाओ चला के। अरे यार पहले साइकिल, आज बिट्टो नया काम कर रही हैं साइकिल चला के, क्योंकि वैसे ये साइकिल ले ली है लेकिन चलाती नहीं। अरे वाह क्या बात है बिट्टो, स्पीड चलाओ। ओके मामा इधर चलाती, नहीं नहीं यहीं चला के ले जाओ, फिर इधर लेके आना। ओके मामा, हाँ मैं ना इधर इधर चलाऊंगी, यहाँ से
गिरोगे नहीं, तुम चलाओ। अब चलाओ ना। अरे वाह, बिट्टू ने नया काम कर दिया। वाह बिट्टू वाह, ये अब तो बिट्टू साइकिल चला लेती है। पहले लगा मुझे तुम साइकिल चला ही नहीं पाती हो। पहले तुम चला के नहीं दिखाई, अब तुम चला के दिखा। तेजी से चलाओ तुम, स्पीड से सुन। क्यों गिर जाते ना? चला दो थोड़ा तेज तेज। पकड़ा पकड़ा ही। हाँ? चलो खेलते हैं। ठीक है। ये कूड़ा है। वहाँ पे और दादी धुआं उठ रहा है, आग नहीं लगी। Till I get up, time is barely on our side. तो अभी मैं कर दे रहा हूँ करीब 4 बजे, क्योंकि दिन में ही अपलोड कर दे करनी चाहिए वीडियो, क्योंकि मैंने दिन में एक बार कल की थी तो उस पर भी कुछ खासा आए नहीं। फिर मैंने वीडियो दोबारा शाम को अपलोड की, तो ठीक ठाक आज देखता हूँ। अगर शाम को ठीक आते हैं तो डेली मेरी शाम को 4 बजे वीडियो आएगी, अगर नहीं आते तो सुबह मेरी डेली 9 बजे वीडियो आए डेली टाइमिंग। तो अपलोड कर देते हैं पहले। यार ट्यूशन नहीं जाओगी? क्यों क्यों नहीं जाओगी ट्यूशन? चलो छोड़ गए तुम ट्यूशन। चलो ट्यूशन चलो उठो। तो दोस्तों आज मिट्टू की तबीयत हो गई है ख़राब, इन्होंने खा लिए संतरे। तो मिट्टू को सर्दी हो गई और बुखार भी आ गया है ना मिट्टू? सर्दी बुखार आ गया है ना? दर्द हो रहा है? ओ मिट्टू सोचता है, अच्छा उठ के बैठे। उठने का मन नहीं कर रहा? लेकिन बिट्टो तुम उतने टाइम पे छत पे खेल लोगी थी। खैर अभी दवाई ले ली है बिट्टो। ओ बस ये जुकाम, ये खांसी तुमने अपने हाथ से की? अपने हाथ से उन्हें बना किया था? संतरे ना खाओ, लेकिन नहीं तुमने माने ही नहीं। मम्मा ने भी खा लिया था। तो मम्मा को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हो गई ना सर्दी, नाक निकल रही बार बार। अब तुम्हारे आज इंजेक्शन लगवा के लाएंगे, ठीक है? इंजेक्शन लगवा दें इनके, लगवा दें या नहीं? इधर लगाऊंगी, यहाँ पे लगेगा। हाथों में लगवा देंगे या यहाँ लगवा देंगे? यहाँ पे गर्दन में कैसे घुस जाएगा है?